આજે કો યહો બમીચે કે નામે જેમ છીકી મેં સારા આગે છે આજે કા યીશુ મસીહ કે નામે પ્રેત ઓર જેમ છીકી ઓર હરિયત કરના ચાહતી હું ઓર મેં મહાન તમીચે કા ધન્યવાદ કરના ચાહતી હું જેને હમે અપની જાત કી છાં કી જય કર ઓર ચિંતી પર ખર કર ઓર મેં અનુપમ અંકલ ઓર સ્વપ્નાંતિ કા ધન્યવાદ કરના ચાહતી હું જેને પે પર આને કા મોકા દિયા આઈએ હમ જો મહાન તમીચે કી યાદના ચલને પહેલે ઓકે વચન ચલને સે પહેલે ઓકે છુટ્ટી છે પ્રાર્થના ચલેંગે ઓર મેં અપને પાપા કો બુલાના ચાહુંગી તાકિ પ્રાર્થના મેં હમારી અગવાઈ કરેં सबको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन में आपने हमको अपना रिश्ता आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सलाह समझा कि अपने पास आने का मौका दिया, उपदार इस वेदी पर खड़े होने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं भाई आज भाई अनुपम डेविड जी और भाई शबनम जी का खुदा जिन पे पेज आगरा मसीह में लिए पेज के दुआ करते पेज बहुत आयत से बनने पाए खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सके जो आपके राज्य में लाई जा सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अब सब हम सबको सुरक्षित रखा है, आगे भी सुरक्षित रखते हैं। खुदा आने वाले दिनों को खुदा बेहतर और बेहतर बनाते जाइए ताकि हम लोगों के जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। खुदा हम दुआ करते हैं उन सभी के लिए खुदा जो इस पेज को देखते हैं। खुदा हम दुआ मांगते खुदा उन लोगों के लिए, उनके परिवारों में भी खुदा किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। खुदा जो भी खुदा उनके घर में खुदा फाइनेंस की प्रॉब्लम या फिर कुछ भी खुदा हारी बीमारी या कोई भी किसी तरीके की खुदा टेंशन है खुदा उन सब की टेंशन खुदा दूर करिए खुदा ताकि वो खुदा हाथ उठा के आपका धन्यवाद कर सके। खुदा आपको अपना उद्धार करता माने और खुदा आपकी राह चलने वाले हो सकते। हम धन्यवाद हमारी दुआओं को सुना सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ का बेटे हमारे उद्धार करता कर दीजिए इसमें की नाम में दुआ से आम है सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अब मैं अपनी बेटी सारा को बुलाना चाहता हूँ। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए हम सब अब उस महान परमेश्वर की आराधना चलते हैं। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी खुली है ये ही चाय, तेरे अपने अपनी पी, तेरे ने की ये ही री, मन में भर दे अपनी री, तेरे प्रेम की गाएंगी, तेरे प्रेम की गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय ये चुकी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय ये चुकी जय, बोलो जय जय जय। आइए अब हम सब उस महान यहोवा के वच में चलते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के वच में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी बाइबल लेके बैठे हैं, जो मैं वचन निकालती हूँ की हूँ वचन को निकालें और किसी पेन या पेंसिल से उस वचन पर निशान लगाए। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें नीति वचन उसका दो अध्याय, बुद्धि का नैतिक लाभ और की छयात पढ़ी छः छः लेकर छात्र तक की आय पढ़ी जिसमें लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती हैं। वह अचीरे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो घाय से चलते हैं उनके लिए वह डाल कहता है।
वचन में जो लिखा हुआ है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अगर इस वचन पर ध्यान दे तो फिर इसमें ये बताया जाता है कि यहोवा जो है जो हमें बुद्धि देता है और यहाँ तक कि खाई में चलने के लिए हमें हर ये डाल देता है। जैसे अगर आप इमेज करिए कि अगर आप एक तेज बहाव वाली नदी में डूब गए होते हैं जिसका बहाव बहुत तेज होता है, तो हो आप एक डाल या किसी लकड़ी को पकड़ लेते हैं जो जिसकी मदद जो बहुत मजबूत होती है और अपनी पूरी कोशिश करती है कि ताकि आप बह ना जाए। आप अच्छे हैं बोले वो इच्छा नहीं देती है, वो बस आपको बचाने की कोशिश करती है। वैसे ही हमारा यहोवा होता है जो हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, बल और वो शक्ति देता है जो हमें चाहिए होता है। हालेलुया। और इसमें लिखा हुआ है जो घाये से चलते हैं उनके लिए वह डाल देता है, मतलब कि परमेश्वर के लिए जो लोग घाये से चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए के अपना बलिदान देने तक के तैयार हो जाते हैं, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग दुनिया या खुद से ज्यादा उस पर ही विश्वास करते हैं और उस पर ही भरोसा करते हैं, वो लोग उन लोगों के परमेश्वर एक डाल रहता है जो उन्हें कभी भी शैतान की पापों या आग के दरिये में ना हाँ डलने देगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा शक्तिशाली परमेश्वर यहोवा है जो हमारी रक्षा और मदद करता है। मगर क्या आज हम लोग परमेश्वर की बुद्धि यानी कि परमेश्वर जो कुछ हमें देता है और यहाँ तक कि हमारी दाल तक बन जाता है, क्या उस चीज के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं? क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हमें वो सब कुछ देता है? हमें चीजें चाहिए होती हैं जैसे ताकत, पैसा, बुद्धि, वो सब कुछ जो हमें चाहिए होता है वो सब हमें लोगों से नहीं मिल, लोगों से तो मिल सकता है, मगर सच्ची बुद्धि और ढेर सारा बल सिर्फ और सिर्फ हमें वो दे सकता है। क्योंकि अगर हम उस पर भरोसा करें और ठीक काम करना चाहें तो वो हमारे साथ रहता है और हर एक अच्छा काम करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि दाऊद जो था वो गोलियत से लड़ने वाला था, लोग और राजा तक कह रहे थे कि वो नहीं लड़ पाएगा और गोलियत के हाथों मर जाएगा, मगर जब राजा ने दाऊद की बात सुनी थी कि परमेश्वर मेरी ढाल बनेगा, तो परमेश्वर उसके ढाल और डाल बना और दाऊद ने जब गोलियत के आँख पर पत्थर मारा तो परमेश्वर ने उसी पत्थर पर अपनी आँची बल की और गोलियत को मार गया। इससे ये पता चलता है कि अगर दाऊद जो था वो अपने देश की हिफाजत करने के लिए ही परमेश्वर की हिफाजत करने के लिए ही गोलियत से लड़ने नहीं गया था, वो गोलियत से इसलिए लड़ने गया था क्योंकि गोलियत ने कहा था कि परमेश्वर की सेना का मजाक उड़ाया था। दाऊद उसे लड़ने गया ताकि उसे दिखा सके कि हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर असली है और उसकी मदद से ही सब कुछ मुमकिन है, और दाऊद इसी चीज के ही लड़ा। तब परमेश्वर ने उसकी मदद की ताकि कि वो गोलियत को बहाने की मदद करने के साथ साथ लोगों को ये दिखा सके कि वो हमेशा हमारे साथ है। और इसी में परमेश्वर ने दाऊद को इजाई का राजा तब बनाया, यहाँ तक कि परमेश्वर ने दाऊद के होने वाले पुत्र सुलेमान को भी ही अपना पुत्र बनाया और यहाँ तक कि उसने इजाइल की रक्षा की। हालेलुया। मगर आज इस वचन में देखा जाए तो जो भी परमेश्वर से हमें कुछ देता है तो क्या हम लोग का धन्यवाद करते हैं? क्या हम उसका इन सारी चीजों के धन्यवाद करते हैं? वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी डाल बनता है और वो है भी ही, मगर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा परमेश्वर को अनदेखा कर देते हैं, कहते हैं हमेशा परमेश्वर से दूर रहते हैं, चाहे परमेश्वर जितना भी हमारे लिए कुछ कर ले तो भी क्या हम उसकी सुनते हैं? तो भी क्या हम लोग तो परमेश्वर के पास रहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारे दिलों में रहता है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है क्योंकि वह जो है
वह हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि कि इस वचन में हमें बताया गया कि परमेश्वर है जो हमें बुद्धि और समझ देता है। और सुलेमान में जो नीति वचन लिखा है, पर सुलेमान में पहले नीति वचन के एक अध्याय क्यों में एक अध्याय के भागों में लिखा है कि जो कोई नीति वचन की को पढ़े वह बुद्धि और समझ को प्राप्त करेगा। और वैसे ही उस वक्त हुआ, सुलेमान को परमेश्वर ने सुलेमान को अद्भुत बुद्धि दी थी, अद्भुत समझ दी थी, ताकि कि सुलेमान लोगों का भला कर सके, लोगों को परमेश्वर की महिमा दिखा सके। मगर सुलेमान ने क्या किया, या उसने इजेबेल उसने एक औरत से शादी कर ली और दूर दूर तक घर राज्य में परमेश्वर की जगह तक किसी और की मूर्तियां लगा दी और फिर भी पाप किया। जिस चीज को देखकर परमेश्वर जो था वो बहुत दुखी हुआ था। पर और आज हम लोग भी वैसा ही करते हैं। आज अगर परमेश्वर हमें सुलेमान जैसी बुद्धि या अच्छी चीजें देता है तो भी हम लोग जो होते हैं हम लोग सुलेमान की तरह ही पाप कर देते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि परमेश्वर है हमसे कितना प्रेम करता है? परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमें सुलेमान जैसी ही अच्छी चीजें देता है ताकि हम लोगों को की महिमा दिखा सके, कि ये दिखा सके कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमें हमेशा माफ करता है, हमें हरी हमेशा रक्षा करता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा परमेश्वर से दूर भागते हैं, उससे नफरत करते हैं। क्या जे शिकाय हमें क्या जे हमें में परमेश्वर को दिया है कि वो हमें बहुत कुछ देता है फिर भी क्या हमें उसे ये चीज दी है कि पर तो क्या हमें इस चीज का एहसान होता है ऊपर पर उसने हमें इतना कुछ दिया फिर भी हमें आज ऊपर ऐसा एहसान उतारा हम ऊपर भरोसा नहीं करते, हम चीजों में ही उलझ जाते हैं, दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं। जब मौत या दर्द हमारे सामने होता है तो हम परमेश्वर से को कोते हैं चीज के लिए। क्या हम इसी चीज की मदद से ही परमेश्वर की महिमा करते हैं? नहीं। परमेश्वर का सच्चा स्तुतिन वो है, परमेश्वर का सच्चा पुत्र वो होता है जो परमेश्वर से अपने पूरे मन दिल और आत्मा से प्रेम रखता है। वैसा ही जैसे यीशु मसीह ने अपने महान पेशे के खुद को मरा दिया था, मगर फिर से वो हमें बचाने के मुर्दों में से जी उठा था। उसने क्या किया था, मुर्दों में से जी उठा था वो हमें बचाने के लिए। यीशु मसीह को इतने कोरे पर चला गया फिर भी वो हमें बचाने के फिर से जी उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस दुनिया में हमारी दार बनाने के लिए भेजा था। क्योंकि जीजस इज ऑलवेज गिव अर्ज और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसी महान परमेश्वर पर भरोसा रखें। और आज मैंने जो आज सबको परमेश्वर के बारे में जो वचन बताया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये दोषों तक भी पहुँचाएं ताकि लोग ये समझ सकें और ये जान सकें कि परमेश्वर जो है वो हमारी डाल है, वो हमारा भाग है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा सच है, वो हमारी लाइट है, वो हमारा पत्थर है और हमारा सब कुछ है। परमेश्वर जो है वो हमारा दिल और हमारे शरीर में रहता है, क्योंकि हम उसका मंदिर है, उसका टेम्पल है, हमें खुद को साफ करना है। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अमेजा की शांति और मैं अनुपम का सपना आदि का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने लाइफ पेपर आने का काम मुझे मौका दिया। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के लाइव पेपर मैंने जो कुछ आपके दोनों पुत्र दाऊद खुद और सुलेमान खुद और उसके पुत्र सुलेमान खान के बारे में जो कुछ लोगों को बताया, ताकि लोगों को ये समझा सकूँ, ये बता सकूँ कि आप हमारी दाल धरे हैं, आप वो तरीके हैं जो हमें पानी के बहाव और मुसीबतों के बहाव से बचाती है, हमें उनमें डूबने नहीं देती है, हमें हर एक उस चीज से बचाती है जो हम पर आती है, जो जिस तरह की विपत्ति हम पर आती है आप हर एक उस विपत्ति से हमें बचाते हैं। और यही वचन लोग दूर तक भी हो जाए और प्रार्थना करता
ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं, अमीन। आज ही को उस महान यहोवा परमेश्वर के नाम में पेद्रो जय मसीह की और अनुपमा को सम्मान आपको भी जय मसीह की।